हेलो स्टूडेंट, इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द थ्री चैम्बर हार्ट इन विच वी हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ द फ्रॉग। ठीक है, फ्रॉग का एग्जाम्पल देखे थे। इसके पहले हमने सिंगल चैम्बर, डबल चैम्बर हार्ट देखे थे। ठीक है, उसके बाद हमने थ्री चैम्बर्स देखे, जिसमें कि जो डबल चैम्बर में था वो कैसे थे, वेंट्रिकल और आट्रियम ये इन अ सीरीज प्रेजेंट थे। ठीक है, इन अ रो प्रेजेंट थे। एंड इन द थ्री चैम्बर हार्ट ये जो आट्रियम था ये डिवाइडेड इन टू द टू, ओके, विद द हेल्प ऑफ इंट्राऑरिकुलर सेप्टम, जिससे कि राइट आट्रियम और लेफ्ट आट्रियम बना। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फोर चैम्बर हार्ट। ओके, इन इंट्रोडक्टरी पार्ट आई हैव टोल्ड यू अबाउट हाउ डज द इवोल्यूशन टेक्स प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ द वर्टिब्रेट। ठीक है, किस टाइप से इवोल्यूशन हुआ है, तो उसमें दो मेन पॉइंट्स बताए थे, दैट विल बी द इंक्रीज इन नंबर ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। ओके, जैसे हम सिंगल चैम्बर, डबल चैम्बर, थ्री चैम्बर, फोर्थ चैम्बर ऐसे जा रहे, तो कैसे जो चैम्बर्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, इंक्रीज इन द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट और कन्वर्शन ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सर्कुलेशन टू द कम्प्लीट डबल टाइप। ठीक है, जो हमने फिशेस के एग्जाम्पल में पढ़ा था, तो उसमें हमने देखे थे कि जो सर्कुलेशन होता है वो एक ही बार होता है, इन वन साइकिल एक ही बार ब्लड फ्लो होगा थ्रू द हार्ट। लेकिन जब हमने थ्री चैम्बर हार्ट में पढ़े तो उसमें क्या था, सर्कुलेशन जो है वो बार बार हो रहा था। ठीक है, सर्कुलेशन, तो ये कन्वर्शन हुआ फ्रॉम द सिंगल टाइप सर्कुलेशन टू द कंप्लीट डबल टाइप सर्कुलेशन। अब फोर चैम्बर हार्ट में इससे ज्यादा एडवांस, ठीक है, एम्फीबियन से भी ज्यादा एडवांस है। सो इसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स का। ठीक है, तो जो रेप्टाइल्स का, ठीक है, रेप्टाइल्स, बर्ड का और मैमल का हार्ट है वो एम्फीबियन से भी ज्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट देखी गई है। सो इन द रेप्टाइल हार्ट शो द इम्प्रूवमेंट ओवर दैट ऑफ द एम्फीबियन। अब किस टाइप से इम्प्रूवमेंट है, इट बिकम मोर स्ट्रॉन्गर एंड मस्कुलर एंड इट शोज द टू ऑरिकल एंड टू वेंट्रिकल्स। ठीक है, जो हमने थ्री चैम्बर हार्ट में एग्जाम्पल देखा था कि सिर्फ ऑरिकल है, इट इज डिवाइडेड इनटू द टू चैम्बर्स, लेकिन जब हम फोर चैम्बर तक जाते हैं, ठीक है, फोर चैम्बर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें ये जो वेंट्रिकल पार्ट है दिस इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, सो हियर इट शोज मोर इम्प्रूवमेंट than amphibians and the heart become strongly muscular and it shows the two ऑरिकल एंड टू वेंट्रिकल चैम्बर्स। ओके, सो दिस फोर चैम्बर हार्ट इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स। ठीक है, इसमें दो टाइप्स है, फर्स्ट वन इज द अनडेवलप फोर चैम्बर हार्ट, डेवलप फोर्थ चैम्बर हार्ट। ठीक है, सो ये अनडेवलप फोर चैम्बर हार्ट है, इट कैन बी सीन इन द रेप्टाइल्स। ओके, ये रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स में। एंड द डेवलप फोर चैम्बर हार्ट इट कैन बी सीन इन द बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, अब इनको अनडेवलप और डेवलप क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, ये फोर चैम्बर है बट दे आर इन रेप्टाइल्स इट इज अनडेवलप एंड इन बर्ड्स एंड मैमल्स इट इज डेवलप। So I'll show you the diagram so you can understand how it is divided. So this is the diagram of the reptile heart. And this one is the birds and mammal heart. So
आप देख सकते हो कि इसको अनडेवलप और डेवलप क्यों बोल रहे हैं। अब इन द रेप्टाइल्स दिस इज डिवाइडेड, ओके, ये यहाँ से डिवाइडेड है, वेंट्रिकल पार्ट भी यहाँ से, वेंट्रिकल चैम्बर भी डिवाइडेड है, बट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली डिवाइडेड, ठीक है, यहाँ से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं है, बट यू कैन सी इन द बर्ड्स एंड मैमल दिस इज द कम्प्लीटली डिवाइडेड, ठीक है। दिस वन इज द राइट वेंट्रिकल, दिस वन इज ऑल्सो राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस वन इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल। तो यहाँ पे ये जो सेप्टम है इनकम्प्लीट पार्सेशन है, ठीक है, यहाँ पे इनकम्प्लीट पार्सेशन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से दिस इज नॉट डिवाइडेड, सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज द अनडेवलप हार्ट एंड दिस इज द डेवलप हार्ट, बिकॉज यहाँ पे जो पार्सेशन है इट इज ली कम्प्लीटली डेवलप। और एक डिफरेंस है जो कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स एंड मैमल्स में देखा जाता है कि जो रेप्टाइल्स में है कोनस विनोसस दिस पार्ट, ठीक है, कोनस विनोसस एंड सीनस विनोसस, ये दोनों पार्ट दिखते हैं, बट इन द बर्ड्स एंड मैमल हार्ट इट इज टोटली अब्सेंट, ओके, सो दिस दिस पार्ट इज द दिस पार्ट इज नोन एज द पल्मोनरी आर्टरी, दिस पार्ट इज नोन एज द वेंट्रिकल पार्ट, दिस पार्ट इज द ऑरिकल पार्ट, नाउ आप रेप्टाइल्स में देख सकते हैं यहाँ पे और एक ये चेंबर प्रेजेंट है, दिस वन इज द कोनस वेनोसस और ये अब्सेंट होता है इन द बर्ड्स एंड मैमल्स हार्ट एंड दिस पार्ट इज द सीनस वेनोसस, दिस इज ऑल्सो ऑब्सेंट इन द बर्ड एंड मैमल हार्ट, सो दिस आर द वेन्स फ्रॉम द बॉडी, ओके, ये हमने थ्री चैम्बर हार्ट में भी देखे थे, सो दिस आर द वेन्स फ्रॉम द बॉडी, दिस पार्ट इज नोन एज द पल्मोनरी वेन, ओके, दिस पार्ट इज नोन एज द पल्मोनरी वेन और यहाँ पे जो है दिस वन इज द इनकम्प्लीट पार्सिएशन ऑफ वेंट्रिकल एंड हियर दिस पार्ट इज द कंप्लीट पार्सिएशन ऑफ वेंट्रिकल, सो यहाँ पे भी ब्लड फ्लो होता है फ्रॉम द वेंस जो कि पास होता है थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा, सो रेप्टाइल्स में क्या होता है द मोर इफिशियंसी सर्कुलेशन गैसेस एक्सचेंज सिस्टम इज नीडेड, ओके, तो ये क्यों चाहिए मोर इफिशियंट
circulatory system because the thick cornified skin that prevent any significance for the skin respiration. Okay, so पहले हम reptiles heart के बारे में देखते हैं. So in this, the reptile need more efficient circulatory gases exchange system. So why this is needed? This is needed because of the thick cornified skin that prevents any significant skin respiration. So in this reptile they have a partial parciation in the ventricle so that the mixing effect of the oxygenated and deoxygenated blood can be minimized. ठीक है, अब जो हमने थ्री चैम्बर हार्ट में देखा था कि सिर्फ ऑरिकल पार्ट होता है जो कि डिवाइडेड होता है इनटू द टू पार्ट्स, दैट इज द राइट एंड लेफ्ट. तो क्या होता है कि यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट साइड से, और लेफ्ट साइड से कैसे आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये यहाँ पे मिक्स होता है. ठीक है, यहाँ पे मिक्स हो जाता है इन द वेंट्रिकल चैम्बर. सो इन द रेप्टाइल द दे हैव द पार्शियल पार्सेशन. वाई वी आर कॉल्डिंग इट द पार्शियल, बिकॉज इट इज नॉट कम्प्लीटली डिवाइडेड. ठीक है, सो पार्शियल पार्सेशन इन द वेंट्रिकल सो दैट द मिक्सिंग इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन मिनिमाइज. ठीक है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उनको मिनिमाइज करने के लिए एक पार्शियल पार्सेशन है जो उनमें डेवलप हुआ है. सो इन द एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल दे हैव द थिकेस्ट एंड मोस्ट कॉर्निफाइड स्किन एंड पजेसेस अ कंप्लीट वेंट्रिकुलर पार्सेशन. ठीक है, एलिगेटर्स में और क्रोकोडाइल्स में कैसे होता है, जो उनकी स्किन होती है वो बहुत ज्यादा थिक होती है, इसके वजह से उन्हें उनके बीच में जो ये वेंट्रिकुलर पार्सेशन था, ठीक है, ये थोड़ा डेवलप होता है, दे आर कम्प्लीटली डेवलप. तो किन में जो है डेवलप होता है, इन द एलिगेटर्स एंड द क्रोकोडाइल बिकॉज ऑफ द thickest and the most cornified skin. क्या होता है कि complete ventricular parsation होता है. So in all the reptiles जो sinus venosus है, ठीक है, यहाँ पे सीनस वेनोसस एंड कोनस वेनोसस ये इनमें प्रेजेंट होता है. सो द सीनस एंड कोनस वेनोसस इज प्रेजेंट. ठीक है, नाउ इन बर्ड एंड मैमल द सीनस वेनोसस and the conus venosus
इज अब्सेंट। ठीक है, इनमें कैसे होता है, अब्सेंट होता है। और इनमें भी ऑरिकल चेंबर और वेंट्रिकल चेंबर, दीज आर कम्प्लीटली डिवाइडेड इंटू टू, मतलब टू ऑरिकल और टू वेंट्रिकल इनमें भी प्रेजेंट होते हैं। एंड ईच चेंबर इज कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द ईच अदर। ठीक है, वो कैसे होते हैं, कम्प्लीटली सेपरेट होते हैं चारों के चारों। एंड द ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है इट नेवर मिक्स। ओके, सो द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नेवर मिक्स। अब ये मिक्स क्यों नहीं होता, बिकॉज द वेंट्रिकुलर पार्ट चेंबर इज ऑल्सो डिवाइडेड। डिवाइडेड होने की वजह से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होता ही नहीं है। सो अब ये एंटर कैसे होता है और पास कैसे होता है। सो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इट एंटर्स थ्रू द राइट आट्रियम एंड पासेस थ्रू द, ठीक है, एंटर एंड पास थ्रू द राइट वेंट्रिकल। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आट्रियम से आया और राइट वेंट्रिकल से ही पास हुआ एंड देन इट गोज टू द लंग्स थ्रू द एओर्टा। ओके, ब्लड कहाँ से पास होता है, थ्रू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एंटर थ्रू द एओर्टा। तो इनमें जो सर्कुलेटरी पैटर्न है इट इज हाईली इफिशियंट प्रेशर सिस्टम। ठीक है, इनमें जो सर्कुलेटरी इट इफिशियंट हाई प्रेशर सिस्टम। अब ये ऐसा क्यों है, बिकॉज दिस में अकाउंट फॉर द हाई मेटाबॉलिक रेट इन बोथ द बर्ड्स एंड मैमल्स एंड टू मेंटेन्स द रेगुलेटरी बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए सो जैसे कि रेप्टाइल्स के हार्ट में देखा था कि जो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो थोड़ा यहाँ पे मिक्स होगा बट कंपेयर्ड थ्रू द एम्फीबियंस इट विल मिनिमाइज। ठीक है, एम्फीबियंस में टोटली ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों मिक्स हो रहा था बट इसमें होगा बट इट विल बी मिनिमाइज। बट इन द बर्ड्स एंड मैमल द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इट विल नेवर मिक्स। ठीक है, इनमें कभी मिक्स नहीं होगा। सो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये साइड से डीऑक्सीजनेटेड और ये साइड से लेफ्ट साइड से ऑक्सीजनेटेड। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हुआ थ्रू द राइट एट्रियम। ठीक है, राइट एट्रियम से एंटर होने के बाद इट पासेस थ्रू द राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पास होते हुए वो लंग्स की तरफ फिर चला गया। ठीक है, एंड रिटर्न टू द लेफ्ट एट्रियम। फिर ये लेफ्ट एट्रियम से आया डीऑक्सीजनेटेड होके। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से आया, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल गया, देन अगेन इट इज पासेस थ्रू द एओर्टा। सो इस टाइप से जो है ये सर्कुलेशन रेप्टाइल्स एज वेल एज बर्ड्स एंड मैमल्स में देखने को मिलता है। एंड इन रेप्टाइल्स इट इज अनडेवलप हार्ट एंड इन मैमल्स इट इज द डेवलप हार्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ हार्ट्स इन वर्टिब्रेट। सो थैंक यू।